नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको दे दें कि यूपी विधानसभा में आज ऐतिहासिक बिल पास हुआ है। ऐसा मिसले कह रखे हैं कि लव जिहाद के मामले से जुड़ा बिल पास हुआ है जिसमें अब सजा को दोगुना कर दिया गया है। पहले 1 से 10 साल तक की सजा मिलती थी लव जिहाद में, अब उम्र कैद की सजा होगी। अगर कोई भी लव जिहाद करता है तो उसे उम्र कैद की सजा होगी। लव जिहाद यानी कि अपना धर्म छिपा कर किसी को बरगला कर अगर कोई शादी करता है तो उसे लव जिहाद कहा जाता है और इस मामले में अब उम्र कैद की सजा होगी। और यही नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि इस कानून में कई नए अपराधों की सजा बढ़ाकर दोगुनी कर दिया गया है। इसके तहत कई नए अपराध भी जोड़ दिए गए हैं। इससे जुड़ा विधेयक योगी सरकार ने आज रखा था सदन में। अब हम आपको ये बताते हैं कि बिल में प्रावधान क्या क्या है। तो देखिए, नए कानून में सबसे पहला ये कि नए कानून में दोषी पाए जाने पर 20 साल तक की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान है। अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामले में FIR दर्ज करवा सकता है, और पहले मामले में सूचना या शिकायत देने पर पीड़िता माता पिता या भाई बहन की मौजूदगी जरूरी रहती थी, लेकिन अब ऐसा इसमें नहीं होगा। लव जिहाद के मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय के नीचे की कोई अदालत नहीं करेगी। लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जा सकेगा और इसमें सभी अपराधों को गैर जमानती बना दिया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है। 2020 में इसका पहला कानून बनाया गया था जिसमें 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। 2021 में इसे पारित किया गया था। अब इस विधेयक में ये प्रावधान तब था कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन अमान्य कर दिया जाएगा, लेकिन अमान्य के साथ साथ जब ये पहले 2021 में ये प्रावधान लाया गया था जब 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान तो शादी को अमान्य कर दिया गया था, लेकिन अब सजा को और ज़्यादा सख्त कर दिया गया है और उम्र कैद की सजा इसमें जोड़ दी गई है, यानी कि सजा को दोगुना कर दिया गया है। और इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या क्या प्रावधान है इस सजा में और कौन कौन से नए अपराध जोड़ दिए गए हैं, तो सबसे बड़ी बात यह कि अब इस पूरे मामले में FIR दर्ज कराई जाएगी और यही नहीं, इस पूरे मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका या फिर विचार नहीं किया जा सकता है। तो योगी सरकार लव जिहाद के मामले में बहुत ज्यादा सख्त नजर आ रही है। अवैध धर्मांतरण जिसे कहा जाता है, अवैध तरीके से अगर किसी का धर्मांतरण कराकर शादी के लिए उकसाया बरगलाया जाता है तो ये अब उत्तर प्रदेश में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा और योगी सरकार इसके लिए पहले बिल का प्रावधान प्रस्ताव लाती है और आज इस बिल को पास कर दिया गया है विधानसभा में कि अगर अब कोई लव जिहाद करता है तो उसे उम्र कैद की यानी कि आजीवन कारावास की सजा होगी।